राइनोप्लास्टी प्रोसीजर के बाद आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी होती हैं? मैं डॉक्टर सुनील अरोड़ा, बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन, ALCS हेयर ट्रांसप्लांट एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक जयपुर। देखिए, राइनोप्लास्टी के बाद नोज पे आपके ड्रेसिंग रहती है, नेजल पैकिंग रहती है, स्प्लिंट रहती है और सर्जरी के बाद कुछ स्वेलिंग भी आती है, तो आपके जो डॉक्टर हैं, प्लास्टिक सर्जन है क्वालिफाइड, वो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे जो आपको रेगुलरली फॉलो करनी है। उसमें सबसे ज़रूरी है पोस्ट ऑपरेटिव मेडिसिन, जो भी मेडिसिन आपको आपके प्लास्टिक सर्जन ने एडवाइस की है वो आपको रेगुलरली लेनी है। उसके अलावा वो आपको एडवाइस करेंगे कि जो सर्जिकल साइट है उसकी केयर आपको कैसे करनी है, कैसे क्लीनिंग करनी है, कैसे कुछ ऑइंटमेंट अप्लाई करना है, वो आपको रेगुलरली करना है। देन बियॉन्ड दैट आपको फॉलोअप के लिए कब आना है। इसके अलावा कुछ वार्निंग साइंस सर्जिकल साइट से रिलेटेड या नोज से रिलेटेड वो अगर हो तो आपको फॉलोअप टाइम से पहले आना है। एंड इसके अलावा आपको वो एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर या वो एक डिटेल्स भी देंगे, जिससे कि आप इनकेस कभी कोई इमरजेंसी होती है सर्जरी के बाद तो आप कॉन्टैक्ट कर सकें और उस समय आ सकें अपनी प्रॉब्लम को मैनेज कराने के लिए। राइनोप्लास्टी सर्जरी के बाद रिकवरी कैसे होती है, क्या डाउन टाइम होता है, कैसे कैसे नोज की शेप में चेंजेस आते हैं, क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, वो एक ब्रॉडली अगर हम बात करें तो देखिए, राइनोप्लास्टी सर्जरी के बाद एक सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जाननी हो ये है कि इनिशियली 1 से 2 दिन तक स्वेलिंग बढ़ती है और उसके बाद धीरे धीरे कम होनी शुरू होती है। आपकी नोज पे जो ड्रेसिंग होती है वो करीबन 5 से 7 दिन रहती है, नेजल स्प्रिंट जो होता है वो 8 से 10 दिन रहता है, आपकी जो नेजल पैकिंग होती है वो आपको 24 to 48 hours के बाद में रिमूव कर दी जाती है, और जो स्टिचेस होते हैं जो यूजुअली एक्सटर्नल अप्रोच के अंदर लगाए जाते हैं वो स्टिचेस करीबन 5 से 7 दिन पे रिमूव कर दिए जाते हैं। इसके बाद जो स्वेलिंग है वो धीरे 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 कम होती है। हाँ, ये है कि आप 7 से 10 दिन बाद अपना बिल्कुल नॉर्मल डेली रूटीन अचीव कर सकते हैं। अराउंड 10 to 15 days पे आप सोशलाइज करना या फिर ऑफिस जाना, वर्क प्लेस जाना, कॉलेज जाना, ये सब शुरू कर सकते हैं। 3 से 4 हफ्ते पे आप एक एक्सरसाइज रजीम शुरू कर सकते हैं बेसिक। 4 से 6 हफ्ते पे आप किसी भी तरह की विग्रस हैवी एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती है। हाँ, आपको एक और इंस्ट्रक्शन हम इनिशियली देते हैं, वो ये देते हैं कि 2 हफ्ते तक आपको स्पेक्स या फिर शेड्स या गॉगल्स नहीं पहनने हैं। राइनोप्लास्टी सर्जिकल एज वेल एज नॉन सर्जिकल प्रोसीजर के बारे में और जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करते रहिए। राइनोप्लास्टी से संबंधित आपके पास यदि किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो नीचे दिए गए हमारे फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी पर हमसे संपर्क करें, या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं और हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन को रिप्लाई करने का। थैंक यू।